हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। हमारी इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरटीपीएस के वेबसाइट में सर्विस प्लस में एक बदलाव आया हुआ है। जो हम पहले अपने सीओ लेवल से बनाते थे, अब सीओ लेवल से नहीं बनेगा, जाति या निवास। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेसर बताऊंगा कि कैसे बनेगा, और जिसका पहले अप्लाई हो चुका है तो वो कैसे आएगा उसका, ठीक है। चलिए, यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है कॉर्नर पर जाकर। आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा कैसे लॉगिन करते हैं, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक पर देखिए, तब भी आपको समझ में आएगा। और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ये लॉगिन हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि सीओ लेवल से अब जाति या निवास नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं किससे बनेगा और क्या इसमें अपडेटेड आया हुआ, ठीक है। यहाँ सर अप्लाई फॉर सर्विस यू व्यू ऑल, तो यहाँ पर पहले यहाँ डाल लीजिए सर्च जो भी आपको बनाना है। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ रेसिडेंशियल, देखिए यहाँ पर इशू रेसिडेंशियल आफ्टर DM लेवल, इशू ऑफ रेसिडेंशियल ऑफ सर्टिफिकेट एट RO, ठीक है। देखिए इसमें एक पहले आता था CO लेवल, अब तब DM लेवल, तब SDO लेवल, तो अभी आपको नहीं आ रहा है। अब आपसे आपको बनेगा RO लेवल से, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये कैसे आएगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे पहले आपने बनाया रखा है तो आप सोचते होंगे कि जो हम पहले बना चुके हैं तो उसका वैलिडिटी होगा या नहीं होगा। वो भी वैलिडिटी है, बट उसमें आपका अपडेट हो जाएगा, जो भी है RO लेवल में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो पहले मैंने बना रखा था, तब मैं आपको दिखाऊँगा अप्लाई कराकर कि कैसे अप्लाई होगा। सेम प्रोसेसर पहले जैसा ही, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, बट वहाँ पर CO लेवल की जगह पर RO लेवल कर दिया गया है। RO लेवल से बनेगा, देखिए डाटा जो पहले बना रखा हो ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो अपडेटेड हो जाएगा। देखिए आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट RO लेवल, यहाँ कॉर्नर पर देखिए सबसे लास्ट में शो कर रहा है, जो कि पहले हम लोग का CO लेवल का कर रहा था। जो भी डिलीवरी देखिए अंडर प्रोसेस में है, तो हमने CO लेवल पे बनाया था पहले, लेकिन ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर लोग अपडेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर RO लेवल दिखा रहा है। ये देखिए नेक्स्ट करेंगे अंडर प्रोसेस है, इसमें भी RO लेवल है, ठीक है। तो आपने जो भी पहले बना रखा था या कल या परसों में, ये 2 तारीख से अपडेट कर दिए हैं लोग। पहले 1 तारीख से करने वाले थे, लेकिन 1 तारीख से नहीं हुआ तो 2 तारीख से हो गया, ठीक है। ये देखिए RO लेवल से हो गया आपका। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कल बनाया और ये RO लेवल से नहीं, CO लेवल से, तो मेरा वैलिडिटी है नहीं। आपका भी वो भी वैलिडिटी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको अप्लाई कर कैसे RO लेवल से अप्लाई होगा। तो वीडियो को एंटर देखिए, ठीक है। और वीडियो को अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ अप्लाई कर, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए मैं RO लेवल से यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेसर है पहले जैसा ही, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे पहले मैंने भी हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो CO लेवल वाला, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक स्त्री के बना रहा हूँ, तो आप यहाँ परचेस कर लीजिए, सॉरी चूज कर लीजिए, और यहाँ उनका नाम डालना है। और उनका फादर नाम और मदर नेम
और शादी हो गया तो हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं, तो उनका फादर नेम यहाँ डालते हैं पहले। देखिए ये सा है, तो सा में यहाँ आपको हिंदी में जाना है और बीच में क्लिक करना और बाय करना है, और इसको कट कर दीजिए और यहाँ पर डबल ये डाल के इसका स्पेस कर दीजिए, देखिए, और बाय कर दीजिए, आ गया सा, ठीक है। और मदर नेम सही से आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर उनका हस्बैंड का नाम डालते हैं, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है आपको जिनका है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मेल आईडी यहाँ मैंने डाल दिया, एक बार आप डिटेल चेक कर लीजिएगा कि ये डिटेल आपका सही है नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ पर आपने चूज़ कर लेना है, आप बिहार से हैं तो, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पर अनुमंडल और ब्लॉक, ब्लॉक चुनने के बाद आप ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, आप यहाँ पर सोच कर लीजिए, ठीक है। और सोच करने के बाद वार्ड नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। आप अपना पंचायत सोच कर लीजिए, पंचायत सोच करने के बाद अपना विलेज, और पोस्ट ऑफिस आप अपना थाना, पिन कोड अपना एरिया का डाल दीजिए, और यहाँ पर अपना फोटो आपको डालना है। यहाँ पर मैं आपको फोटो बता देता हूँ कितने केबी का इसमें चाहिए, 20 केबी से प्लस होना चाहिए आपका, ठीक है। ये फोटो तभी लेगा, 25 केबी हो, 30 केबी हो तो ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना जी किस प्रोसेस में आपको ना अस्थाई अस्थाई किस उद्देश्य के लिए बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर एक बार ये देखिए,
आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए पूरा डिटेल भरने के बाद एक कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसको ओके करना है। और ओके करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा, तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल आपको पूरा मैच देख लेना है कि मैंने जो भी डिटेल डाला हूँ वहाँ पर सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे, नीचे आना है आपको, यहाँ पर अटैच टू कनेक्शन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अटैच, अटैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना दस्तावेज चूज कर लेना है, मतदान के पहचान पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है आप यहाँ से चूज कर लीजिए डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको वो वाले डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं जो भी है, और यहाँ से चूज फाइल कर लीजिए अपना जो आपने यहाँ पर बना रखे हैं, और इसको आपको इसमें डालना है और सेव पे आपको क्लिक करना है। ये जो फाइल होगा 100 से 150 KB हो सकता है, 50 KB हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग वो नहीं है कि आप इतने KB के डालेंगे, ठीक है। देखिए मैंने अपना इसमें डाल दिया हूँ, डालने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मतदान पहचान पत्र, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा जो निवास है अप्लाई हो चुका है, देखिए ये लिखा हुआ निवास प्रमाण पत्र है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि आर ओ लेवल से अपना निवास कैसे बनाते हैं। तो जो भी हमारे टेक्निकल यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।